तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। अरे गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप सुनाओ। क्यों सर? हम थोड़े परेशान हैं। परेशान? क्यों, क्या हुआ? क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं? कौन से? सर, आंसर्स नहीं निकल रहे, कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है बिल्कुल। सर क्यों नहीं आंसर निकल रहे? क्या पता नहीं, इसलिए सर आज तो मैंने फर्स्ट टाइम आपकी ये वाला सेशन ज्वाइन किया सर। तो जो स्टूडेंट दरबार में जितने क्वेश्चंस कराए थे वो सारे कर लिए? सर मुझे पता नहीं था स्टूडेंट दरबार का, आपसे ज्वाइन करूंगी मैं। अच्छा, आज से ज्वाइन करोगे? वो ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो स्टार्टिंग से देखने स्टार्ट कर दो उसको, ठीक है सर, ठीक है? उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ ठीक है? जी ओके जी। सर, आज मुझे मतलब बेसिकली जो आपने जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है ना, जो इनकम टैक्स के सर, उसमें क्वेरीज हैं, तो आप ले लोगे ना? हाँ, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है सर, डन। ठीक है जी? चलो जी स्टार्ट करें, रिवीजन करके आइए अच्छे से। मैंने आपको आज चैप्टर कौन सा दिया था? आईटीसी का, क्योंकि इनकम टैक्स तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है? आज से हमने जीएसटी स्टार्ट करना था। अब जीएसटी का मेरे ख्याल से चैप्टर हमने मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था, आईटीसी के सारे प्रोविजन आपने पढ़ के आने हैं। पहले तो बताओ कौन कौन बच्चा रिवाइज करके आया है, सिर्फ मुझे थम्स अप दिखा दो वहां से कि जो बच्चा रिवाइज करके आया है। कई बच्चे तो थम्स अप ऐसे दिखा रहे हैं, कह रहे हे भगवान दिखाएं या ना दिखाएं, क्योंकि अगर दिखाएंगे और अगर सर ने देख लिया और अगर हमारा नंबर आ गया तो। चलो, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर हम रिवीजन करके आए हैं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। और जो जो बच्चे रिवीजन करके नहीं आए उन्होंने अपनी वीडियो पहले ही बंद की हुई है, वो कह रहे ना तो हम दिखेंगे और ना ही हमारा कुछ हो सकता है, नालायक। चलो री, अच्छा ये बताओ कौन सा बच्चा ऐसा है जो सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करना चाहता है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि सर रिवीजन हमसे स्टार्ट कर लो। जो सबसे पहले चाहता है सर रिवीजन हमसे स्टार्ट की जाए आज। पल्लवी, रुचि, शालिनी, लक्ष्मी, प्रियंका, अमीशा, ओ माय गॉड क्या बात है, आज तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए। हिमांशु, गुड। वर्षा, चलो जी सबसे पहले फिर हम आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वर्षा, वर्षा यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक बात बताओ, ये बारिश बुरिश क्यों नहीं हो रही अभी? सर तो बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ी कम ही रहनी चाहिए अभी। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो रिवीजन करके आए हो आज। यस सर, टॉपिक कौन सा दिया था याद है कुछ? लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, लेकिन यूट्यूब पे देखा, आईटीसी का अच्छा, रिवीजन है। आईटीसी का, तो रिवाइज करके आए हो। हाँ सर, हाँ सर। चलो मेरे को ये बताओ आईटीसी का चैप्टर जो है किस सेक्शन से वैसे स्टार्ट होता है जीएसटी में? सर सेक्शन 16 टू सेक्शन 19। ठीक है, अच्छा अगर किसी पर्सन को आईटीसी क्लेम करना है तो क्या कोई भी पर्सन जीएसटी में आईटीसी क्लेम कर सकता है? उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सर 16, सेक्शन 16 में एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस दी है आईटीसी अवेल करने की, तो कौन कौन? 16 हाँ वन हाँ यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। 16 वन में बेसिक कंडीशन दी है, जिसमें एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बट एक्सेप्ट सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम वाले आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट वो गुड्स एंड सर्विसेज जो उसमें डील करेगा वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और आगे अगर मान और लो, सिक्सटीन हाँ हाँ बोलो 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 यस।
16 टू में चार एडिशनल कंडीशंस दी है। उसमें पहली कंडीशन है दैट रिसिपिएंट शुड बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन है उसने एक्चुअली जीएसटी पे किया हो बट सब्जेक्ट टू रूल 36(4), ठीक है, और उसने रिसिपियंट शुड बी इन रिसिपियंट एक्चुअली गुड्स रिसीव कर लिया हो बट सब्जेक्ट टू बिल टू शिप टू, ठीक है। और उसने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है एनुअल रिटर्न फाइल कर फर्निचर। दी हो या GSTR 3B फाइल कर दी हो? GSTR 3D यस, ठीक है। अच्छा एक, चलो वेरी यस। गुड वर्षा। मेरा अगला क्वेश्चन है, अमीशा आप मुझे बताओ। अमीशा, यस सर, गुड हाँ आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी वर्षा ने बोला कि सर ITC क्लेम करने की ना चार कंडीशन होती हैं, कि एक तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसके बाद मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया हो, अपना GST पे कर दिया हो और मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ ऐसा है, जैसे मान लो सप्लायर ने रिसीवर को सामान भेजा और सप्लायर ने ना इनवॉइस अपलोड नहीं किए, तो अगर उसने हाँ, इसमें इनवॉइस ना अपलोड रूल, नहीं किए अच्छा तो क्या मैं सारा ITC क्लेम कर सकता हूँ या कुछ प्रोविजन है इस केस में? सर, प्रोविजन है रूल 36 क्लॉज 4 में लिखा है कि जो सप्लायर है जिसने जितना इनवॉइस अपना अपलोड किया है GSTR 1, तो उसका तो 100% मिल जाएगा, पर ठीक है, जितना अपलोड नहीं किया है उसका 10%, अभी न्यू अमेंडमेंट में 10% जिसका अपलोड कर दिया है अमाउंट ITC का उसका 10%, और जिसका अपलोड इनवॉइस नहीं किया है उसका अमाउंट विच एवर इज लो जो रहेगा, जो कम रहेगा उसका मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है। मान लो एक हाँ कॉम्पोजिट जी, स्कीम वाला है, तो कॉम्पोजिट स्कीम वाला जब भी आगे सप्लाई करेगा तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर क्या वो GST चार्ज करेगा या कंसेशनल टैक्स चार्ज करेगा? कंसेशनल टैक्स चार्ज करेगा। और जो वो इनवर्ड सप्लाई लेके आएगा उस पर भी कंसेशनल टैक्स होगा या उस पर GST होगा? उस पे GST देगा। अच्छा, अगर उस पर जो GST देगा तो क्या उस GST का कॉम्पोजिट स्कीम वाला ITC क्लेम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट सेक्शन 16 तो ये बात कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है। नहीं, सेक्शन 16 में लिखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, और एक्सेप्ट सेक्शन 10 वाले, क्योंकि सेक्शन 10 जो इसमें सेक्शन 16 में ऐसा नहीं लिखा, सेक्शन 10 में लिखा है कि वो सारे सेक्शन को ओवर रूल कर देगा एक्सेप्ट सेक्शन 9(3) और 9(4) को छोड़ के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अमीशा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर ऐसा कुछ और क्वेश्चन करो अच्छा हाँ वाला। हाँ नालायक, अभी आऊंगा आपके पास, बाकी बच्चे से तो पूछ लूँ। बच्चा कह रहा है मेरा अकेले का ही सेशन ले लो आप, बाकी सब बच्चों को कह दो लेफ्ट कर जाएं। नालायक, इधर देखो ध्यान से। चलो रुचि, यस सर, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है? सही है सर। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी वर्षा और अमीषा ने बताया कि सेक्शन 16 में कौन कौन एलिजिबल होगा और क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी बातें उन्होंने बता दी। अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एक पर्सन रजिस्टर्ड है और वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तो क्या उसके बावजूद भी उसका ITC हम ब्लॉक कर सकते हैं? यस सर। तो उस ITC ब्लॉकेज की बातें कहाँ लिखी हुई हैं और किस सेक्शन में लिखी हैं? सर सेक्शन 17 क्लॉज 5 में ITC ब्लॉकेज का की सारी बातें लिखी हुई तो कुछ आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो, कुछ पांच छह चीजें जो ITC इसमें ब्लॉक हो जाता है? है। यस सर, सेक्शन 17 क्लॉज 5 के अंदर फर्स्ट मोटर व्हीकल का केस है, जिसमें अगर अप टू 13 पैसेंजर्स होगा, अगर मोर देन 30 पैसेंजर्स होगा तब ऑल केसेस में वो ITC ब्लॉक नहीं होगा, और अगर less than 13 पैसेंजर्स होगा उसमें ITC ब्लॉक होगा। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर डीलर हो और डीलर ऑफ मोटर व्हीकल हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो, और ट्रेनिंग और ड्राइविंग स्कूल वाले हो, तो इन केसेस में ब्लॉकेज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, हाँ बोलो। एयरक्राफ्ट वाले हैं उसमें भी DDT में नहीं होगा ब्लॉकेज। ठीक है, अच्छा अगर जो अगर जिन केस में ITC ब्लॉक नहीं होगा, अगर हम उसके लिए कोई सर्विस ले रहे हैं, हाँ, जिन जिन केसेस
केसेस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, अगर उन सब केसेस में ही अगर हम उसके लिए सर्विस ले रहे हैं तो उस केसेस में भी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर और जिसमें ब्लॉकेज है और उसमें भी अगर मैन्युफैक्चरर है और जनरल इंश्योरर है उसमें भी ब्लॉक नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, कुछ और आइटम्स जिन केस में आईटीसी ब्लॉक है, दो तीन आइटम्स कुछ और बताओ। यस सर, जैसे पर्सनल कंजप्शन है या फिर जीएसटी अगर इंपोर्ट नॉन रेसिडेंट ले रहा है एक्सेप्ट इंपोर्ट वो ठीक है, है, और और कुछ कुछ देख के नहीं बताना। नहीं हाँ सर। हाँ, फूड एंड बेवरेजेस मतलब उसमें है कि अगर फूड एंड बेवरेजेस लाइक HCL, HR, FOB, HCL हो गया हेल्थ सर्विस, C फॉर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, L फॉर लाइफ इंश्योरर, HR हेल्थ इंश्योरर, और HR फॉर रेंटिंग ऑफ कैब, हायरिंग, क्लीनिंग, FOB, F फॉर हो गया फूड एंड बेवरेजेस, O फॉर आउटडोर केटरिंग, B फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, इनमें ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर इसका इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई एक ही होगा तो फिर उस केस में ब्लॉकेज नहीं है। बहुत बढ़िया। और सारे केसेस तीन और है, HMT, H फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, M फॉर मेंबरशिप ऑफ क्लब, और T फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनर बेनिफिट्स, ट्रेवल बेनिफिट्स। तो ये पूरा 11 पॉइंट के लिए एक क्लॉज है। अगर ये सब अगर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अगर अंडर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर हो रहा है उस केस में ब्लॉकेज नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रुचि, बहुत बढ़िया। चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है अपना हिमांशी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हाँ मान लो मैं कोई इनवर्ट सप्लाई लेके आया और उस इनवर्ट सप्लाई को मैंने जहां यूज किया ना, वो टैक्सेबल भी है और एग्जम्प्टेड भी है, और उसको मैंने यूज किया बिजनेस में भी पर्सनल भी, तो क्या उस केस में मुझे पूरा ITC मिल जाएगा या उस केस में मुझे कुछ प्रपोर्शन करना पड़ेगा? नहीं सर, प्रपोर्शन करना होता है ऐसा सेक्शन 17 कहता है। 17 में अपॉर्शनमेंट की बात की गई है। 17 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस पर्पस के लिए और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हम सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही आईटीसी क्लेम कर सकेंगे, नॉन बिजनेस के लिए नहीं कर सकेंगे। ठीक ऐसे ही है, 17 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मैंने बिजनेस के लिए कर रही हूँ लेकिन मैं कुछ टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, कुछ एग्जेम सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में मुझे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का ही आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, एग्जेम का नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, अब मान लो, चलो एक सिंपल सा मेरा एग्जांपल है, मान लो मैं एक प्लास्टिक लेके आया, ठीक है, अब उस प्लास्टिक से ना मान लो मैंने दो चीजें बनाई और मुझे पता है कि कितना प्लास्टिक मैंने बिजनेस में यूज किया, कितना प्लास्टिक नॉन बिजनेस में किया, कितना टैक्सेबल में किया, कितना एग्जम्प्टेड में किया, तो मैं क्या करूंगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं दूंगा, टैक्सेबल वाले का दे दूंगा। बट अगर मान लो मुझे ना यूज नहीं पता, इट मीन्स अगर कॉमन यूज है, तो उस कॉमन यूज का प्रपोर्शनेट जो है, फिर वो हम कैसे करेंगे? सर वो रूल नंबर 42 कहता है, उसमें हम कॉमन सर वो पूरा बताओ मैं कॉमन क्रेडिट तक नहीं, उसको मतलब मुझे थोड़ा आइडिया दे दो कि रूल हम। आइडिया हाँ देते हैं। ओके, हाँ तो उसमें भी कॉमन जैसे हम सारे नॉन नॉन बिजनेस वाला, एग्जेम्प्ट वाला, टैक्सेबल और जो ब्लॉक वाला होगा हम उसको हटा देंगे। फिर जो हमारा कॉमन निकलेगा उसमें हम दो इनपुट वाले केस में दो केस करेंगे, या तो वो एग्जेम्प्ट नॉन एग्जेम्प्ट होगा या फिर वो बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस होगा। ठीक अगर है, मैं एग्जेम्प्ट वाला देखूंगी तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे कॉमन क्रेडिट का, जितना हम उसका मल्टीप्लाई होगा जितना हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया होगा एंड डिवाइडेड बाय जितना हमने टोटल सप्लाई की होगी, वो निकाल के हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई आ जाएगा। और अगर मैंने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए किया है तो मैं जो इतना कॉमन क्रेडिट है उसका 5% कर दूंगी, तो मेरा नॉन बिजनेस पर्पस निकल जाएगा। फिर हम उसको हटा देंगे, रिवर्स कर देंगे, फिर जो बचेगा और जो टैक्सेबल हम प्लस करके इतना हमें आईटीसी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है सरिता। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर। रिवीजन करके आए हो? यस सर। चलो, आप मुझे ये बताओ कि अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आज कोई सामान परचेज किया,
और उस सामान पर मैंने जीएसटी पे किया, ठीक है, बट जो यस मैं उससे सामान बना रहा हूँ ना वो सप्लाई अभी एग्जम्प्टेड है, ठीक है, उसके यस सर उसके कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई भाई अभी सप्लाई पर टैक्स लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई से मेरी सप्लाई टैक्सेबल होने जा रही है तो उस केस में फिर हम आईटीसी का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सर जब वो टैक्सेबल जब एग्जेम्प्टेड थी तब तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो टैक्सेबल हो गई तो उसका आईटीसी मिलेगा। तो उसमें हमें फाइव कैपिटल गुड्स है तो उसमें हमें 5% लेस करके टोटल आईटीसी जितना जीएसटी आपने पे किया है और बचा हुआ फिर जीएसटी पे कर आईटीसी ले लें। नहीं चलो मैं एग्जांपल देता हूँ एक सिंपल सा, जैसे मान लो आज मैंने क्या किया, आज फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट एक सामान परचेज किया, 100 यूनिट, मैं अभी कैपिटल गुड्स की बात ही नहीं कर रहा, 100 यूनिट मैंने एक सामान परचेज किया और उस सामान से जो मैं बना रहा हूँ वो ना अभी एग्जम्प्ट है और मान लो मेरे 80 यूनिट यूज हो गया, अब 20 यूनिट मेरा बचा हुआ है, अब वो सप्लाई हो गई टैक्सेबल। अब टैक्सेबल होने के बाद जो मैं सामान लेके आऊंगा उसका तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा, मुझे पता है, बट जो मेरा 20 यूनिट मेरे पास बैलेंस बचे हैं तो क्या उसका मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। सर 20 यूनिट का मिल जाएगा जो फिर अभी है। अच्छा 20 यूनिट का मुझे सारा मिलेगा या 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद मिलेगा? 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद। दोबारा से 5% ईच क्वार्टर हर केस के अंदर माइनस करते हैं कैपिटल गुड्स में माइनस करते हैं? सिर्फ कैपिटल गुड्स। और ये 20 यूनिट मेरे हैं कैपिटल गुड्स या इनपुट है? इनपुट। तो मुझे पूरा मिलेगा या 5% माइनस करने के बाद मिलेगा? पूरा मिल जाएगा। यस। और अगर मान लो मैं वही कैपिटल गुड्स लेके आता, अगर मैं कैपिटल गुड्स लेके आता उस टाइम तो मुझे जीएसटी मिला नहीं होगा क्योंकि वो एग्जम्प्टेड सप्लाई थी। यस सर। अब वो सप्लाई होगी टैक्सेबल और ये सप्लाई टैक्सेबल हुई मान लो 10 महीने के बाद, तो मतलब कैपिटल गुड्स को मैंने 10 महीने यूज उस टाइम पर किया जब वो सप्लाई एग्जम्प्ट थी और अब वो सप्लाई होगी टैक्सेबल, तो मेरा क्वेश्चन ये है उस कैपिटल गुड्स पर जो मैंने जीएसटी पे किया होगा उसका मुझे पूरा ईटीसी मिलेगा या कुछ कम मिलेगा? सर कम मिलेगा, 5% पर क्वार्टर लेस करते हैं। अब अगर आप खुद बताओ अगर 10 महीने हैं तो 10 महीने में कितना कम करूंगा मैं? सर 10 मंथ का कम करेंगे। 10 मंथ को हम कितने क्वार्टर मानेंगे? रुचि कह रही है एक। फोर सर। फोर क्वार्टर। फोर फोर यस। ओके फोर क्वार्टर कैसे निकाले आपने, बट मेरे अकॉर्डिंग तो 3 क्वार्टर बन रहे हैं, फिर तो 1 महीना बन रहा है बस। सर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं ना? हाँ 3 9 हो गया, तो उसके बाद 1 महीना बचा तो 1 महीने को पूरा क्वार्टर मान लेंगे? यस सर पूरा क्वार्टर मान। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन है फिर अगला, किससे पूछूं? मीनाक्षी। मीनाक्षी अपना माइक ऑन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है? अच्छे सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। मीनाक्षी रुचि आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, वो ये कह रही है कि अगर कोई पर्सन आईटीसी क्लेम करना भूल गया है जी सर, तो वो रुचि कह रही है कि वो क्लेम ही नहीं कर सकता कभी, मेरे से झगड़ रही है, लड़ रही है मुझसे। नहीं सर, 1 साल का टाइम पीरियड होता है जब से within from the date of issue of invoice, जब से आपने अपना invoice issue किया हुआ है वहां से लेकर आपको within एक साल का time मिलता है। अच्छा, आप एक साल के बाद नहीं कर सकते हो। एक साल हर केस में मिलता है या सेक्शन 18 वाले केस में मिलता है सर? क्योंकि आईटीसी क्लेम करने की 2 लिमिट होती है ना, एक तो सेक्शन 16 का आईटीसी होता है और एक आईटीसी होता है सेक्शन 18 के अंदर। ये हर केस में आपको मिलेगा। तो फिर वो एक टाइम लिमिट भी तो होती है कि अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, वो किसकी होती है? मैंने वो भी शायद पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं। जी सर, वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आता है। हाँ तो वो किस चीज की टाइम लिमिट है? एक मिनट का। देखो रुचि आपको ऐसे कह रही है, एलिजिबल कब होंगे वो मतलब आप कब तक क्लेम कर सकते हो आईटीसी, वो इसका हुआ और 1 साल का जो है वो कैपिटल गुड्स के केसेस में है। 1 साल का कैपिटल गुड्स के केस में है नालायक? कैपिटल गुड्स की तो लाइफ ही 5 साल होती है। नहीं नहीं सर, सर एक मिनट, बस एक मिनट, मुझे पता है। देखो रुचि हंस रही है, रुचि कह रही है यस, मेरे को पता था मीनाक्षी नहीं बता पाएगी। सर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके केसेस में होता है 1 ईयर।
और नॉर्मल केस में कितना होता है फिर? नॉर्मल केसेस में आपको मतलब विच एवर इज अर्लियर होता है, आप आपकी जो विद इन ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ या फिर और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल जीएसटी रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो मैक्सिमम आप मुझे बता सकते हो कि मैक्सिमम मैं कब तक क्लेम कर सकता हूँ 1 साल का ईटीसी? सर 1 साल का मतलब मेरा आईटीसी, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो हमारा 1920 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है इस साल में आईटीसी क्लेम करना भूल गया, ठीक है तो इस साल का आईटीसी मैं कब तक क्लेम कर सकता हूँ? सर, लास्ट डेट जो होती है वो मैक्सिमम 20th अक्टूबर होगा यस 20th अक्टूबर इस साल की, अगले साल की? सर, मतलब 1920 का 20th अक्टूबर 2020 लास्ट होगा मेरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। यस धन्यवाद। चलो अगला क्वेश्चन है फिर पंकज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। आपके लिए क्वेश्चन आया है, शिवानी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। यस सर। शिवानी कह रही सर पंकज नालायक है। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है शिवानी का, वो ये बात कहना चाह रही है कि सर अगर कोई कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाता है यस सर। तो वो ये कह रहे हैं उसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कभी आईटीसी मिलेगा ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है शिवानी सुन रहे हो क्या कह जी रहे हैं? हाँ पंकज अब बताओ। सर। ये केस जो है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में कवर होता है। ओ माय गॉड शिवानी देखो क्लोज भी याद है बच्चे को। हाँ जब सर आप कंपोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो सर आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों का मिलता है सर, जो ऑन द डेट ऑफ जब आप एलिजिबल हो जाते हो टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 9, उस दिन पे जो आपका इनपुट और कैपिटल गुड होता है उसके ऊपर आपको आईटीसी अवेयर हो जाता है। और कैपिटल गुड के केस में 5% ईच क्वार्टर आप रिड्यूस करते हुए जो आईटीसी होता है वो आपको एलिजिबल हो जाता है। अच्छा अगर पंकज मेरा क्वेश्चन अब है वो शिवानी का, तो चलो आपने आंसर दे दिया। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर कोई नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिट स्कीम में जा रहा हो तब क्या होगा फिर? सर वो सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 या 4 में कवर होता है सर, रूल 44 में है सर। उसका प्रपोर्शनेटली जो निकलता है वो 60 डिवाइड करते होंगे वो आईटीसी से, और जो उसकी रिमेनिंग लाइफ रहती है सर यूजफुल लाइफ का। यहाँ पे भी 5% ईच क्वार्टर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रैक्टिकली ध्यान रखना 60 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना अभी, क्योंकि यहाँ पे ना, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ना कन्फ्लिक्ट है प्रोविजन के बीच में, अच्छा ठीक है ना यहाँ पे। वही हाँ सर, मैंने रूल 44 जो पढ़ा था उसमें सर यही दिया हुआ था। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे ना वो डिवाइड बाय 60 वाला कॉन्सेप्ट लगा के रहता है, यस सर। ठीक है, बट यहाँ पे आपको 5% वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट जो आईसीएसआई है और इवन आईसीएआई जो है वो दोनों ही केस में 5% वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अच्छा सर। क्योंकि यहाँ पे ना सर प्रोविजन में कन्फ्लिक्ट है। तो सर मतलब ये लॉ के हिसाब से नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही है, नहीं अभी लो, मतलब गारंटी नहीं है ना। नहीं हाँ लो के हिसाब से भी दोनों ही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या कन्फ्लिक्ट ये है कि 5% वाला है और यहाँ पे 44 भी लगता है, वो 60 वाला भी है, यस सर। बट हमें जो तो फॉलो करना है वो रूल नंबर 40 के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो फॉलो करना है, ओके सर, ठीक है पंकज? यस सर, ओके जी वेरी गुड, थैंक यू। और कोई अभी आऊंगा आपके पास। मेरा फिर अगला क्वेश्चन है प्रियंका। यस सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, बढ़िया क्या हाल चाल है? सर। हिमांश हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे आप ठीक आज? हो? नो हाँ मैं तो अच्छा हूँ, मैंने कहा सर। मैं कहूँ हैप्पी टीचर्स, हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ प्रियंका। अच्छा आपके लिए ना एक डाउट आया है हिमांशी का, यस सर। उनका डाउट ये आया है कि वो ये कह रहे हैं कि सर अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है यस और वो सर। रजिस्टर्ड हो जाता है, तो जब वो अनरजिस्टर्ड होगा उसको तो आईटीसी मिलता नहीं होगा, अब वो यस रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको उसका आईटीसी मिलेगा, तो सर। अगर कुछ उसके पास बचा हुआ ऐसा स्टॉक है उस टाइम का तो क्या वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है? यस सर। किस सेक्शन में बताओ हिमांशी को, बताओ हिमांशी सुनना ध्यान से। सर 18 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है सब क्लॉज ए में, जिसमें ये है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें अगर इनपुट जो है
अब तो इनपुट इनपुट पे उसे जितना उसने कंज्यूम किया उस पे उसे आईटीसी नहीं मिला होगा, लेकिन जो बैलेंस होता है उस बैलेंस पे उसे आईटीसी मिल जाता है 18 सब क्लॉज 18 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए में। अच्छा, और एक क्लॉज बी भी है। हाँ जी, एक क्लॉज बी भी है, उसमें ये होता है कि अगर वो उसके लिए होता है अगर हम एप्लीकेशन 30 डेज में दे देते ठीक है, भले हम डेट देते हैं, और जो क्लोज बी है वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अगर हम कराते हैं या हम 30 डेज में एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट वाली डेट देखते हैं। और उसमें भी सेम होता है कि अगर अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उस वाले केस में हमें आईटीसी नहीं मिलता है और जितना बैलेंस होता है उसका आईटीसी में मिल जाता है। अच्छा, अगर मेरे पास मैंने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया अनरजिस्टर्ड के टाइम पर और अब मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, तो क्या उस कैपिटल गुड्स का मुझे आईटीसी मिल जाएगा फिर? हाँ यस सर, मिल जाएगा। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में हो रहे हैं। हाँ, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में हो रहा हूँ, बट जब मैं अनरजिस्टर्ड था उस टाइम मैंने कोई कैपिटल गुड्स लिया था और कुछ महीने मैंने यूज किया था, बट अब मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ, तो क्या उस कैपिटल गुड्स का मुझे आईटीसी मिल जाएगा? नहीं सर, उसका नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से ही अनरजिस्टर्ड है। बट हिमांशी तो इशारा करके कह रही है 5% मिल जाएगा। हिमांशी सही बोल रही है गलत वो बोल रही? तो सर इस केस में नहीं है, वो किस केस में है फिर? वो उसमें था कि अगर अगर हम कंपोजिट सप्लाई से कन्वर्ट करते हैं उसमें नॉन नॉर्मल सप्लाई में, या फिर एग्जम्पशन से हम टैक्सेबल में आते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। थैंक यू सर। लो जी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूं। हाँ जी, क्वेश्चन दिखाऊं आपको। लो जी, अब फटाफट से अपनी नोटबुक उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो, ठीक है? प्रोविजन तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि आपको याद हैं, अब पता लगेगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हो आप। मैं एक मिनट रुको, आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? एक बार मुझे लिख के बताओ जी, क्वेश्चन दिख रहा है? कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके बता दे, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है जी। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा सर, है? क्लियर नहीं है, क्लियर हो के फिर ब्लर हो जा रहा है। वो फिर हाँ सर, आपके उसमें प्रॉब्लम होगी। अब देखो ध्यान से, अब दिख रहा है? नो सर, इट इज क्लियर। क्वेश्चन सर नंबर ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? ब्लर तो होना नहीं चाहिए यहाँ तो मेरे एक मिनट रुको, फिर एक मिनट रुको, एक मिनट क्लियर रुको, सर, क्लियर एक मिनट रुको। सर, जो दूसरी स्क्रीन है आपकी उसमें क्लियर है सर? दूसरी स्क्रीन? दूसरी कौन सी है मेरी स्क्रीन? सर, दो स्क्रीन में कुछ हो रही है। देखना, किसी बच्चे को दो स्क्रीन शो हो रही हैं हाँ सर, हाँ सर, तो दूसरी स्क्रीन में क्लियर दिख सर, रहा है? हाँ सर, क्लियर दिख रहा है। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको मुझे इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस पर्सन सर को एक ही दिख रही है बट क्लियर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, क्लियर। क्लियर नहीं है, और एक ही स्क्रीन दिख रही है, दो नहीं दिख रही है। अब मैं कैसे, या तो फिर क्वेश्चन बोलूं, क्या करूं? सर क्वेश्चन हाफ ही दिख रहा है, एक मिनट रुको, और ब्लर भी हो गया। एक मिनट रुको फिर। अब क्वेश्चन दिख रहा है कुछ? आधा आधा, हाँ नो सर, आधा दिख रहा है, आधा क्लियर से है? आधा, नो सर, हाफ क्वेश्चन है। अब लाइक इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ तक दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा, हाँ वो अमाउंट नहीं दिख रहा, 10,000 अभी थोड़ी देर पहले ज्यादा अमाउंट नहीं दिख रहा, ही जूम हो गया। हाँ लाइक पर्टिकुलर्स की थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा। सर आप डिक्टेट कर दो एक बार। चलो मैं फिर या तो क्वेश्चन बोल ही देता हूँ। सर आप पहले तो उसे जिसको भी दिखाई दे रहा है वो लिख लेंगे, नहीं हाँ तो आप हाँ जिनको दिख रहा है वो अपना देख के कर लो। आपको मुझे इसमें नेट जीएसटी बताना है कितना पे करना है। जिनको नहीं दिख रहा उनको मैं बोल रहा हूँ, लिखो जी, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है 10 लाख की,
इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख की है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 2 लाख की है, इंट्रा स्टेट परचेज है 5 लाख की। मैं दोबारा बोलूंगा, इंटर स्टेट सप्लाई 10 लाख की है, इंट्रा स्टेट सप्लाई 2 लाख की है और इंट्रा स्टेट परचेज है 5 लाख की। उसके बाद इनका आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सीजीएसटी 20,000, एसजीएसटी 30,000 और आईजीएसटी 25,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पुराना बैलेंस पड़ा होगा कोई, मतलब इतने पैसे आपने गवर्नमेंट से पहले के लेने हैं, ठीक है। सीजीएसटी का रेट है 9%, एसजीएसटी का रेट है 9% और आईजीएसटी का रेट है 18%। आपको मुझे ये बताना है नेट जीएसटी कितना देना पड़ेगा। किसी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो। नेट जीएसटी बताओ जी कितना देना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। आया जी किसी का आंसर? आंसर आया है सीजीएसटी पेबल 25,000, एसजीएसटी 15,000, आईजीएसटी 1,55,000। दीपिका का आंसर आया है 1,41,000। वेरी गुड, क्या बात है। मीनाक्षी आईजीएसटी 1,05,000, कमाल कर दिया जी। नागार्जुन 51,000 आईजीएसटी, मुकुल का भी आईजीएसटी 51,000, हिमांशी का भी आईजीएसटी 51,000, हिमांशु का भी 51 है, मीनाक्षी का है 27 सीजीएसटी 27 एसजीएसटी और प्रियंका का है 51,000 नेट। मतलब इतने सारे आंसर यार। पल्लवी मैंने क्वेश्चन हटा दिया, आपने क्वेश्चन अभी तक पूरा लिखा नहीं था। एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो जी। और ये बहुत सारे गलत आंसर हैं, कमाल की बात ये है। और आपके एग्जाम दिसंबर में है और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव वाला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल वाला क्वेश्चन भी नहीं है। एक बार चेक करो जिनके आंसर गलत आए हैं दोबारा से, कहाँ गलती हुई आपसे। चेक करो कितना आईटीसी मिलेगा, कितनी मैंने आगे पेमेंट करनी है, आईटीसी को कैसे यूज करूंगा, उसके बाद मुझे आंसर दो। सर एक बार अमाउंट दिखा दीजिए ना इंटरेस्टेड सप्लाई की। अमाउंट मैंने क्वेश्चन सामने ही लिखा हुआ, एक बार दोबारा बोल देता हूं। स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन पे तो दिखाई दिखना चाहिए। अब आ रहा है? नहीं सर, 10 लाख उसके बाद क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई 10 लाख है, इंट्रा स्टेट सप्लाई 2 लाख है और इंट्रा स्टेट परचेज 5 लाख है। ओके सर, ये उसमें गलती हुई है। मुझे फटाफट से आंसर दो, सबके एक जैसे आंसर आना चाहिए। मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ आपको, सिर्फ 1 मिनट का। चेक करो गलती कहां हुई आपसे।
लो जी, अब बच्चे के अलग अलग आंसर फिर आ रहे हैं। अमीशा ने कहा है सर SGST 48,000, रुचि कह रही है CGST 11,500, SGST 60,500। कमाल हो गई जी आपकी। छाया कह रही है सर 46,000 रुपये IGST, वेरी गुड, कमाल हो गई वैसे आपकी। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप इतने नालायक हो गए, मतलब इतने सारे आंसर अलग अलग, मैंने तो नहीं सोचा था। प्रियंका 51,000, हिमांशु कह रहा है सर मैं एक्सप्लेन करूं सॉल्यूशन, हिमांशु आपके ऊपर आऊंगा अभी, आपके पास आऊंगा, बट मैं पहले उन बच्चों से पूछ लूं जिनके आंसर बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे ना आंसर निकाले कैसे उन्होंने। मैं जानना चाहता हूं निधि, निधि नहीं निधि नहीं निधि नहीं निधि नहीं, ये आंसर मुझे ज्यादा और ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मीनाक्षी भट्ट, मीनाक्षी, हाँ जी मीनाक्षी, ऑन करो माइक अपना। यस सर। आंसर कैसे निकाला है आपने? आंसर निकाला है CGST 27 और SGST 27। जी सर, ये क्रेडिट बच रहा है। और नेट GST कुछ नहीं देना गवर्नमेंट को? नहीं, CGST SGST में नहीं देना। मतलब मुझे पैसा गवर्नमेंट से लेना है? हाँ, CGST और SGST सब कुछ देने के बाद। जी सर। बताओ एक बार कैसे है, बताओ आप मुझे ये बताओ, इंटर स्टेट जो 10 लाख रुपए की सप्लाई है इस पर IGST 18%, तो 1,80,000 रुपए तो यही आ गया। जी सर। ठीक है, ये पैसा मुझे देना है लेना है? देना है। तो मतलब मुझे IGST के 1,80,000 देने हैं। जी सर। उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई 2 लाख की है, इसका 9% 9%, तो 18,000 रुपए CGST देना है। जी सर। और 18,000 रुपए मुझे क्या देना है? SGST देना है। अच्छा, अब इंट्रा स्टेट परचेज है 5 लाख, तो इसका 9% कितना गया? 45,000 45,000। जी। और मुझे पहले से 20,000 रुपए CGST के लेने हैं, तो इसमें 45,000 ऐड कर दूंगा। यस सर। और पहले के 30,000 रुपए मुझे SGST के लेने हैं, इसमें 45,000 ऐड कर दूंगा। बोलो हाँ सर। लेकिन हाँ पहले बोलो, हम लोग हमारा जो CGST का जो क्रेडिट होता है वो सबसे पहले IGST? नहीं नहीं नहीं, वो तो यूज तो बाद में करूंगा ना, पहले तो मैं टोटल क्रेडिट तो निकालूं। हाँ हाँ, टोटल क्रेडिट अभी तो मैं टोटल क्रेडिट निकाल रहा हूँ ना, कि टोटल मुझे गवर्नमेंट से कितने रुपए लेने हैं। जी सर। तो टोटल मुझे CGST के 65,000 लेने हैं, SGST के 75,000 लेने हैं और IGST के 25,000 लेने हैं। जी सर। और मुझे गवर्नमेंट को देने कितने हैं? 180 IGST के। जी। 18,000 पे CGST। हाँ। 18,000 पे SGST। जी सर। अब सबसे पहले क्रेडिट में कौन सा उठाऊंगा? IGST। IGST। तो इस 25,000 पे को मैं 180 से खत्म करूंगा। यस सर। ये 25,000 पे खत्म हो जाएंगे। Yes, sir. तो अब मुझे गवर्नमेंट से कितने रुपए लेने होंगे? अब मुझे गवर्नमेंट को देने होंगे 1,55,000 रुपए। ये बचेगा बैलेंस, ठीक है? हाँ जी। अब सेकंड आ जाओ CGST पे। जी सर। अब CGST क्रेडिट सबसे पहले मैं कहाँ यूज करूंगा? सर सबसे पहले CGST में होगा, देन IGST। तो 18,000 पे ये खत्म हो गए जो मैंने गवर्नमेंट को CGST के 18,000 रुपए देने थे, वो खत्म हो गए ना? हाँ जी सर। अब 65 में से अगर मैं 18,000 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस मुझे गवर्नमेंट से कितनी लेनी है? 47। तो 155 में से 47 माइनस कर दो। जी सर। कितना बचा? 1,08,000। इट मींस मुझे गवर्नमेंट को भी IGST के 1,08,000 रुपए देने हैं। यस सर। और मेरा CGST भी खत्म हो गया। हाँ जी। अब आ जाओ SGST। Yes, SGST को सबसे पहले किससे खत्म करूंगा? SGST से। ये 18,000 खत्म हो गया। जी सर। अब 75 में से अगर 18,000 माइनस करूंगा तो 57,000 बचेगा। Yes, sir. 57,000 अगर मैं IGST में यूज करूंगा तो 51,000 बैलेंस बचेगा जो मुझे गवर्नमेंट को देने होंगे IGST के। Yes, sir. तो आपने गलत आंसर निकाला था। Yes, sir. मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है 51,000 जी। अभी भी कई बच्चों के, अमीशा आपका भी गलत आंसर आ रहा है, अभी भी गलत आंसर आ रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, करेक्ट आंसर है 51,000 की पेमेंट निकल के आ रही है IGST की। जी सर। ठीक है, तो जिस बच्चे को डाउट है चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिनको हो चुका है समझ में आ गया फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार थम्स अप दिखा दो यार, जिनको समझ में आ गया तभी आगे बढ़ेंगे फिर हम। चलो री, इट मीन्स सब बच्चों को सही हो चुका है, आगे बढ़ सकता हूं मैं।
सरिता को डाउट है, सरिता क्या डाउट है आपका बताओ। हेलो, हाँ जी सरिता क्या डाउट है। सर मेरा आ तो गया था 51,000 पर, पता एक मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? मैं बहुत मतलब करते करते कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पे करना है कि क्रेडिट है कि पे करना है। नहीं, आप ना ये समझो कि जहां सप्लाई वर्ड लिखा होगा इट मीन्स गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी, जहां परचेज वर्ड लिखा होगा इट मीन्स गवर्नमेंट से मुझे लेने होंगे, ठीक है। तो जो मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं वो तो मेरा क्रेडिट है, ठीक है, और जो मुझे गवर्नमेंट को देने हैं वो मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो अब क्रेडिट को आप लाइबिलिटी में यूज करोगे ना। हाँ, जो मुझे लेना है उसको देने से एडजस्ट करेंगे ना। यस, जैसे अब जो हमने परचेस किया है तो वो तो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। हाँ, वो मुझे गवर्नमेंट से लेना है। हाँ, और जो मैंने सेल किया है तो वो मेरा लाइबिलिटी में चला जाएगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर उन दोनों को एडजस्ट करेंगे, उन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी जैसे मैं क्वेश्चन कर रही थी, जो ये परचेस था आई इंटर का 10 लाख का, 18% पे किया तो 180 आ गया था उसका। फिर मेरे पास बैलेंस क्रेडिट था 25,000 का आईजीएसटी का ही। हाँ, तो जो 180 आया, 180 तो मेरी लाइबिलिटी है ना। हाँ, लाइबिलिटी है तो और 25 का आपके पास क्रेडिट पहले से था आईजीएसटी का ही। हाँ, तो 25 से मैंने 180 खत्म किया तो इट मींस बैलेंस 155 मुझे और देने हैं। हाँ, तो ये और पे करना था हमें को, और मेरे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी फिर मतलब कैलकुलेशन करने के बाद क्रेडिट ही आया था। हाँ, तो वो क्रेडिट, अब क्रेडिट तो मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी का सारा खत्म हो गया आईजीएसटी की वजह से। हाँ, क्योंकि मेरे पास पेमेंट ज्यादा थी आईजीएसटी की। बिल्कुल, तो मेरे पास बैलेंस पेमेंट तो बचेगी। हाँ, फिर मतलब एडजस्ट होने का पेमेंट ही आएगी। पेमेंट सर, वो पेमेंट उसी में थोड़ा सा ये हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाती हूँ करते करते क्वेश्चन। ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, थैंक यू सर। चलो मीनाक्षी भट्ट, क्या डाउट है आपको मीनाक्षी? सर मुझे ना इसमें सर मैंने क्या किया था इसमें, मैंने सबसे पहले सेल में से अपना परचेज माइनस कर दिया था डायरेक्ट। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको पूरा प्रेजेंटेशन करनी है ना। सेल में से परचेज कैसे माइनस किया? सेल से पहले आप लाइबिलिटी निकालोगे। सो जैसे मेरा सीजीएसटी की लाइबिलिटी 18,000 बन रहा था, एसजीएसटी 18,000 एंड आईजीएसटी मेरा 1,80,000 बन रहा था, तो उसमें से सबसे मैंने परचेज का देखा कि मेरा 45,000 है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 45,000 है, ठीक है। तो और मेरे को आईजीएसटी में कुछ परचेज में है नहीं, तो उसमें से पहले मेरा क्रेडिट निकाल दिया 27,000 और 27,000 का बाकी। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा ना। आप पहले आप अपना पैटर्न यूज नहीं करोगे। आप देखो ना, एक एक सिस्टम है कि पहले क्या करना है, आपने आउटवर्ड सप्लाई से लाइबिलिटी निकालनी है, इनवर्ड सप्लाई से आपने क्रेडिट निकालना है जी। उस क्रेडिट के अंदर पुराना क्रेडिट आपने ऐड करना है, ठीक है सर। ठीक है, तो फिर आपका टोटल क्रेडिट आ जाएगा जी। ठीक है, अब उस टोटल क्रेडिट को आप लाइबिलिटी से सेट ऑफ करोगे। ठीक है सर। और वो सेट ऑफ कैसे करोगे वो आपको पता है कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद पंकज, आपका क्या डाउट है पंकज? सर मेरा क्वेश्चन, सर मैंने ये किया कि सर ये जो वैल्यू दी हुई है सर, इनको 118% माना और सर फिर 18% जीएसटी अलग से निकाला, सर इंक्लूडेबल वैल्यू माना, तो सर नहीं क्या नहीं ये नहीं गलत नहीं हो गया? हाँ गलत हो गया। अजम्पशन लिखते तो सर, देखो मतलब यार वो आपने अजम्पशन ली है बट वो अजम्पशन ये ना इलॉजिकल है। अगर देखो स्पेसिफिकली इंक्लूसिव लिखा हुआ है फिर तो आप इंक्लूसिव मानो। यस सर। अगर नहीं लिखा ना, अलग से रेट दिया हुआ है तो फिर आप अलग से लगा के आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है आपका, बट एग्जामिनर के ना माइंड का नहीं पता वो क्या कर दे। यस सर, वो बात है, लेकिन आपने बताया था जैसे कि अजम्पशन अगर हम दे रहे हैं। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, देखो आपका प्रोफेशनल का एग्जाम है, पेपर सब्जेक्टिव है। यस सर। ठीक है, बट एक बार ना कई बार हमें क्या होता है कि एग्जामिनर की ना इंटेंशन समझनी पड़ती है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। यस सर। ठीक है, हाँ अगर आपने अजम्पशन लिख दी थी मैंने इनक्लूसिव माना, उसके बेस पे मैं इनक्लूसिव के बेस पे करके आ रहा हूँ, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा 100% आपका सही है। यस सर। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के पास वो ऑल्टरनेटिव आपके वाला है या नहीं है। सर बिकॉज नॉर्मली जितना भी मतलब हम लोग देखते हैं तो सप्लाई जो, हाँ वो इंक्लूसिव होती है, इंक्लूडिव होती है। बिल्कुल, आई एम एग्री विद यू। और इवन जो सीए वाले पेपर होते हैं, सीए वाले के अंदर इंक्लूसिव ही मान के चलते हैं। यस सर, उनके दो ऑल्टरनेटिव भी इसलिए आंसर आते हैं। हाँ, अगर आपने इंक्लूसिव मानी हो और नहीं मानी हो तो
तो मैं ये नहीं कह रहा गलत है, अगर आपने assumption लिखी है तो इंस्टीट्यूट गलत नहीं कर सकता मेरी तरफ से, वो आपको सही करेगा, बट हाँ जब हमें देखने से लग रहा है कि इंक्लूसिव पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ तो बेटर ये है कि आप नॉर्मल जीएसटी निकाल के आ जाओ। ओके सर, ठीक है पंकज। ओके सर, वर्षा कह रही है सर आपने जो क्रेडिट एंड पेबल वाला टेबल बनवाया था क्लास में वो प्रेजेंटेशन समझ नहीं आती है बट बुक वाली टेबल समझ नहीं आती, मतलब प्रेजेंटेशन क्लास वाली समझ नहीं आती, बुक वाली समझ नहीं आती, कौन सी आती है समझ? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा लिखा है कि जो नॉर्मल टेबल आप बनवाते हो ना, दैट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट इतना है, पेबल इतना है, फिर वो क्रॉस करके हम लोग एडजस्ट करते हैं, हाँ वो वाला तो इजी लगता है, पर ये जो बुक में जो प्रेजेंटेशन दी होती है ना वो टेबुलर फॉर्म वाली, वो समझ नहीं आती। देखो टेबुलर फॉर्म वाली ही एग्जाम में ना बनानी पड़ेगी, तो वैसे ही बनानी पड़ेगी। हाँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वो जो मैंने क्रॉस वाला किया था वो इसलिए चलता है कि हमारा आंसर कितना आ रहा है एग्जैक्ट, जल्द हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर कितना है। हाँ, अब उस आंसर को निकालने के लिए ना हमें आउटवर्ड सप्लाई की अलग टेबल बनानी पड़ेगी, इनवर्ड सप्लाई की अलग बनानी पड़ेगी और सेट ऑफ करने की फिर अलग बनानी पड़ेगी। हाँ, तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे, हाँ तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना वो तीन टेबल के बनेंगे। अच्छा, पहले आउटवर्ड सप्लाई लाइबिलिटी निकाल लो, लाइबिलिटी हाँ, फिर इनवर्ड सप्लाई से आईटीसी निकाल लो, ओके, फिर आपस में नेट पेमेंट निकाल लो तीसरी टेबल के अंदर। अच्छा ठीक है, तो वही वाली प्रेजेंटेशन करनी। हाँ ओके सर, थैंक यू। चलो सबको क्लियर है जी, अब मैं अगला क्वेश्चन दे सकता हूँ। लो जी अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जी। ये लो जी क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। मैं जिनको क्वेश्चन नहीं दिख सर, रहा, हाफ आ रही है, हाफ हाफ, जिनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने कुछ पर्टिकुलर्स दिए हैं और उस पर्टिकुलर पे कितना जीएसटी पे किया है वो दिया है। इस क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस पर्सन को कितना आईटीसी मिलेगा वो बता दो। जिनको क्वेश्चन दिख रहा है वो देख के करें, नहीं दिख रहा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशूड, एक मशीनरी परचेज की जहां डेबिट नोट इशू किया उस पर जीएसटी पे किया 15,000 का, तो क्या इस पे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा आपको बताना है। दूसरा, इनपुट परचेज वॉज डायरेक्टली डिलीवर टू मिस्टर जोए ए जो वर्कर एंड ए रजिस्टर्ड सप्लायर, उस पे जीएसटी पे किया 80,000 पे, मतलब इनपुट परचेज किए और डायरेक्टली जो वर्कर को सप्लाई करवा दिए उस पे जीएसटी पे किया था 80,000 पे का। तीसरा, कंप्यूटर परचेज किया उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो आप इनकम टैक्स में और उस पे जीएसटी का पोर्शन है 50,000 पे जो आपने जीएसटी पे किया। तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा पॉइंट ये है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स विद इन द कंपनी प्रीमाइस, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है स्टाफ क्वार्टर की प्रीमाइस बनाने के लिए कंपनी के अंदर, उस पर 4,25,000 रुपए का जीएसटी पे किया है। तो 4 जीएसटी पे किए हैं जी, 1,15,000 रुपए का मशीनरी की परचेज पे, 80,000 रुपए का परचेज किया जो सामान डायरेक्टली जो वर्कर को भिजवा दिया, 50,000 रुपए का परचेज की जीएसटी पे किया कंप्यूटर की परचेज पे और 4,25,000 रुपए का जीएसटी पे किया वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पे। तो आप मुझे ये बता दो इन चारों में से कितनी वैल्यू पर आपको आईटीसी मिलेगा और कितने का नहीं मिलेगा। सर थर्ड वाले पॉइंट में क्या अमाउंट है? 50,000। आंसर अपना चैट बॉक्स में ही लिख देना जी। ओके 195, 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 195
अच्छा एक बच्चे का आंसर है रुचि का, 50,000 का नहीं मिलेगा। रुचि रुचि आपने बोला 50,000 का नहीं मिलेगा, तो क्या बाकी सबका मिल जाएगा? सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले का तो बस प्लांट एंड मशीनरी के केस में वो आईटीसी ब्लॉक्ड होता है ना, प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग वाले केस में नहीं मिलता है। हाँ हाँ हाँ,
तो ये वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट का प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिलता है और सारे केस में नहीं मिलता है, तो ये तो हाँ तो ये नहीं मिलेगा ना। हाँ ये नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा 195 जी। ठीक है, तो 195 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं? हाँ लो जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ सर। हाँ जी सर, ये सेकंड वाले पॉइंट में जो जॉब वर्कर के लिए है ना, तो उसमें 19 सेक्शन 19 नहीं लगेगा ना, ये जस्ट वो इनपुट जैसे यू नो डायरेक्टली आपने जैसे दिया 16 ही लगेगा ना, 19 तो नहीं आएगा ना इसमें। नहीं, सेक्शन 19 ही तो ये कहता है कि अगर आप डायरेक्टली जॉब वर्कर को भिजवा दोगे तो उस केस में जो कंडीशन 2 है ना वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, तो इस केस में उसको आईटी से फिर मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, लो जी। ये परचेज ऑफ मशीनरी है, हाँ, तो उसमें से वो कैपिटल गुड्स में कवर नहीं होगा मशीनरी है तो? किसमें? कैपिटल गुड्स में उसका 5% करके लेस नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहाँ क्यों 5% आप लेस करोगे, हमें तो पता नहीं ना उसने कितना कैसे यूज किया, हमें तो बस उसने बोला कि मशीनरी परचेज की और डेबिट नोट इशू किया, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, आंसर इज यस मिलेगा। तो 100% आईटीसी मिलेगा, वैसे ही करना है। अभी तो हमें एक 15 ही लिख के आना है ना, जब तक वो हमें स्पेसिफिकली डेट नहीं देगा तो हम 5% कितने क्वार्टर का लें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अब मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जी, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा खासा है। अब जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए दिक्कत है ना, क्योंकि उनके लिए मुझे काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोलना पड़ेगा। छोटा क्वेश्चन दे दो। छोटा क्वेश्चन दे दूं? लो अब चलो, आप एक क्वेश्चन लिखो फिर, मैं फिर अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं, लिखो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं जी, सबने लिखना है। इंटरस्टेट सप्लाई है, लिखो। इंटरस्टेट सप्लाई है 15 लाख की, उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई है 10 लाख की, इंटर 15 लाख की है और इंट्रा 10 लाख की है, उसके बाद इंटर स्टेट परचेज है 8 लाख की, ठीक है जी, और इंट्रा स्टेट परचेज है 10 लाख की, ठीक है जी, और ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है जो आपने गवर्नमेंट से लेना है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है CGST 40,000, SGST 10,000 और जो IGST है वो आपको दिया हुआ है मान लो 50,000। मुझे नेट GST बता दो कितना आएगा, और अगर कोई क्रेडिट बचेगा तो कौन सा क्रेडिट बचेगा, कैसे? अच्छा प्लीज ध्यान सुन, एक लाइन और लिख लो, नीचे नोट लिखो, IGST यूटिलाइजेशन फर्स्ट आईजीएसटी, ठीक है जी, सेकेंड CGST और थर्ड SGST। ये आपको ना क्वेश्चन में दे दिया, ये पता क्वेश्चन में क्यों दे दिया, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन में नहीं देता ना तो कई सारे बच्चे कई ऑल्टरनेट निकाल लेते, क्योंकि IGST फर्स्ट तो IGST होगा, सेकंड वो कैसे भी कर सकते हैं, तो आप में से कोई बच्चा कैसे भी कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि कैसे करना है, कि फर्स्ट तो IGST में करना है। हाँ जी बोलो बोलो सर। ओपनिंग बैलेंस IGST का? IGST का बैलेंस है 50,000। ओके थैंक यू। यूज होगा फर्स्ट IGST, सेकंड CGST और थर्ड SGST। हाँ जी, रेट सर, जीएसटी रेट्स क्या सर? रेट 9918 है जी। क्वेश्चन करो जी सर, रिपीट करो सर, रेट 9%, 9%, 18% CGST, SGST और IGST ना जी? अच्छा ठीक है सर।
बच्चों को आंसर आना स्टार्ट हो गया है। हिमांशु का आया है 98,000 आईजीएसटी पेबल, निधि का 26, दीपिका का 26, नागार्जुन 26, अमीशा 26, रुचि 26, मुकुल 26, लक्ष्मी 26, मीनाक्षी 26, ऑलमोस्ट सबका आंसर ही 26 है जी। इसके अलावा किसी का आंसर? बस एक बच्चे का अलग आंसर है जी, बाकी सबका ऑलमोस्ट सही आंसर है 26 एंड 26,000 आईजीएसटी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमांशु आपका ये आंसर गलत है, 98,000 नहीं आएगा हिमांशु, बताऊं कैसे आएगा 26? यस सर। हाँ मैं एक बार आपको बता देता हूँ 26 कैसे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, आपकी लाइबिलिटी जो निकल के आ रही है वो आईजीएसटी की निकल के आ रही है 270,000, सीजीएसटी की निकल के आ रही है 90,000 और एसजीएसटी की निकल के आ रही है 90,000। यस सर। और क्रेडिट आपका निकल के आ रहा है आईजीएसटी का 194 टोटल। 194 समझ में आ गया कैसे आया? यस सर। ठीक है जी, और सीजीएसटी का 130 निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो जी, तो ध्यान रखना जी, अब इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये तो मैं आपको मैंने बता दिए नॉर्मल किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, बट प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। एक इसके अलावा ना क्वेश्चन और भी बन सकता है, रूल नंबर 42 और 43 का, वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे पूरी लंबी चौड़ी क्लास डाली हुई है उसकी। अगर किसी बच्चे को देखनी है रूल नंबर 42 43 में दिक्कत है, मैंने पूरी क्लास डाली है यूट्यूब के ऊपर, उसके क्वेश्चंस भी उसके अंदर हैं। ठीक है, बाकी एडिशनल क्वेश्चन जो होंगे ना मैं नवंबर के महीने में कराऊंगा। अक्टूबर के महीने में मैंने पहले भी कहा हम कस्टम खत्म करेंगे, कस्टम की रिविजन क्लास होपफुली आपके साथ साथ चल रही होंगी। अब प्रोफेशनल के जितने भी एडिशनल टॉपिक हैं कस्टम के, उसको मैं लास्ट दो क्लास में डाल दूंगा। 7 क्लास तो देखनी देखनी है आपकी, आएंगी 9 क्लास एग्जीक्यूटिव वालों की होंगी 7, तो जो 2 एडिशनल क्लास होंगी ना उसमें आपके कस्टम के एडिशनल टॉपिक हो जाएंगे, जिसमें आपके न्यू सिलेबस में 10 नंबर का कस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, और जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उसमें 25 से लेकर 30 नंबर का कस्टम है, तो उनकी भी रिविजन हो जाएगी। अब उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे, जब वो 9 सेशन मेरे खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद जो भी सेशन होंगे वो कस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के होंगे। तो अक्टूबर के एंड तक आप ये मान के चलो कि हम कस्टम पूरा खत्म कर देंगे। जीएसटी हमारा भी यहाँ पे चल ही रहा है, इनकम टैक्स ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर नवंबर में हम क्या करेंगे? नवंबर में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं दोबारा से कर दूंगा। ठीक है, चलो अब फटाफट से ऐसा करो, टाइम तो वैसे हमारा पास नहीं है क्योंकि मेरी क्लास भी है इसके बाद। 15 मिनट में चलो एडिशनल दे देता हूँ, 15 मिनट में फटाफट से जिनके डाउट्स हैं पूछ लो। अगर जिनके डाउट्स पेंडिंग हो जाएंगे ना, घबराना मत, मैं फिर वीक के बीच में किसी दिन आपको बता दूंगा कि इस दिन हमारा सेशन है, वो सिर्फ डाउट्स का ही रख लेंगे, तो आप उस दिन सारे डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, बट अभी मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मेरी क्लास है, अभी मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है। मैं सबसे पहले डाउट किसका लेता हूँ, निधि आप बताओ, निधि क्या डाउट है आपका? हाँ सर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड डी है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो सर वो एक बार क्लियर करवा दीजिए ना, वो नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर तो ये है कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली है, ठीक है जी, अब वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो उसके लिए आप कोई भी आप सर्विस ले रहे हो, उस पर आप जो भी जीएसटी पे करोगे उसका आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में से लैंड एंड बिल्डिंग का और किसी का नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा तो मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी तो मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी की बल कंस्ट्रक्शन नहीं होती नॉर्मली, मतलब होता क्या, कंस्ट्रक्शन तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। यस सर। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस जो होती है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी हो जाती है। ओके, बट वर्क कॉन्ट्रैक्ट में एक बात और है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी नहीं मिलता, बट अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम होती है तो आईटीसी मिल जाता है। ओके,
सब कॉन्ट्रैक्टर को हमने दिया है तो वो जो आईटीसी होगा वो मिल जाएगा ना। हाँ सब कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में मिल जाएगा, बट सब कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ना कुछ केस में एग्जम्पशन के अंदर भी है। ओके सर। और सर डी में लिखा है कंस्ट्रक्शन सर्विस लेबर कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। नहीं नहीं वो प्लांट एंड मशीनरी वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर कंस्ट्रक्शन की बात करोगे हाँ। तो आप उसको अलग लेके चलो, और अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो अलग लेके चलो। पहली बात तो ये ओके ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला क्लोज ये बात कहता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आपको आईटीसी हम ब्लॉक कर देंगे, इनवर्ड आउटवर्ड सेम है तब आपको आईटीसी देंगे, और अगर प्लांट एंड मशीनरी वाला केस है तब आपको आईटीसी देंगे। ओके अदरवाइज नहीं मिलेगा ना। हाँ 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 ओके। और सर एक और डाउट था, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो उसमें मोटर करो या वेसल एंड एयरक्राफ्ट हो दोनों में आईटीसी ब्लॉक है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है हाँ, पैसेंजर नहीं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है हाँ, तो दोनों में ब्लॉक नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में तो आपको आईटीसी मिल जाता है ना, अगर आप अपना मान लो जो भी अगर ट्रक है या उसको मैं अगर अपनी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, इनपुट की जैसे मान लो कोई भी सामान लेके आया उसकी मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूँ उसका मुझे आईटीसी मिल जाता है। हाँ तो सर वेसल वाले केस में 17.5AA में वहां नहीं आएगा, वहां गुड्स में नहीं मिलेगा ब्लॉक है, वहां नहीं आएगा, वहां पे नहीं आएगा। ओके सर थैंक यू। अगला क्वेश्चन वंदना आप बताओ फटाफट से। हेलो सर। हाँ जी सर, मैंने ना जैसे आपके एक यूट्यूब का लेक्चर देखा था उसमें आपने कहा था जैसे कि आपने एक प्लेलिस्ट बना ली है तो सर उसको मुझे देखना नहीं आ रहा, मतलब यूट्यूब पे कैसे देखूं प्लेलिस्ट वजह से अगर देखनी हो तो। YouTube पे आप जाओगे मेरे चैनल पे ना तो वहां पे ऊपर एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का। सर आपके चैनल मतलब सर मैं ऊपर आपका आपका नाम लिखूं जैसे कि YouTube पे पहले जाके सर्च करके ना। हाँ जब आप नाम लिखोगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा तो वहां पे ना ऊपर कई सारे ऑप्शन दिए होंगे वीडियोस का प्लेलिस्ट का ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। ओके सर। तो वहां पे प्लेलिस्ट वाला जो फोल्डर होगा ना उसको क्लिक कर देना। ठीक है सर थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन और है, बस एक छोटा सा डाउट है सर, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के अंदर सर डाउट है सर, जैसे कि उसके अंदर हम जब कैपिटल गुड लेते हैं और कैपिटल गुड कुछ टाइम रखने के बाद सर हम फिर उसे सोल्ड आउट कर देते हैं हाँ जी। तो सर जो है उसका जो हम अब हमने उसे पूरा टाइम तो यूज किया नहीं है सर, कुछ टाइम यूज किया है तो हम उसमें रिवर्सल ऑफ आईटीसी करते हैं तो सर हमारे पास उसमें दो ऑप्शन होते हैं सर, हम टोटल आईटीसी में हम 5% ऑफ द क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डे ऑफ द परचेज से हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं और सर उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करके, पहला मेथड तो ये होता है आईटीसी रिवर्सल निकालने का सर। सेकंड मेथड में क्या है सर कि ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब कैपिटल ट्रांजेक्शन वैल्यू का जो भी जीएसटी होगा वो निकाल लोगे आप सर। ये ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड सर। नहीं 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 सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। ठीक है थैंक यू सर, बस यही डाउट था। थैंक यू सो मच सर। सर सर किसी दिन जीएसटी क्विज भी रखिए ना ऐसे ही। हाँ हाँ बिल्कुल रखते हैं, पहले एक बार सिलेबस रिवाइज कर लें कंप्लीट कर लें। ठीक है ओके थैंक यू सो मच सर। ओके जी वेलकम। अच्छा कई बच्चे नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं, एक बार नेक्स्ट टारगेट ले लो ताकि इन बच्चों को फिर जाना जा सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका है वैल्यूएशन का, ठीक है जी। वैल्यूएशन का टॉपिक है जी, जीएसटी में वैल्यूएशन का टॉपिक आपको रिवाइज करके आना है, उसके सेक्शंस और रूल्स, ठीक है जी। अगला डाउट यहां पे रुचि आप बताओ। हेलो सर, मेरे को बस ये पूछना है जो सर आपने वो जो बताया था ड्यू डेट टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी तो उसमें जो फॉलोइंग मतलब उसमें जो एग्जांपल दिया था ना उसमें था कि इनवॉइस मेरे पास 18-19 का है, इनवॉइस रिलेटेड 18-19 और व्हाट विल बी द लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी तो उसमें केस वन दिया था एनुअल रिटर्न फाइल्ड 15-9-2019 और जैसे वो 20th अक्टूबर वाला जो डेट है वो भी
19 का ही लिया था, तो ये यहाँ पर तो 20 होना चाहिए ना, और एनुअल रिटर्न भी 20, क्योंकि फॉलोइंग ईयर तो अगले साल ना 18 19 का तो 20 होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, 18 19 की जो रिटर्न है, 18 19 हमारा खत्म कब होगा, 31 मार्च 19 को ही तो होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, यस ठीक है, ओके। और मेरा एक इनकम टैक्स का डाउट ले लो प्लीज। हाँ चलो फटाफट से, बस आपका लास्ट डाउट ले रहा हूँ जी, बाकी बच्चों से सॉरी मांगता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आज मेरी क्लास है, रिकॉर्डिंग है उसके, मैं इससे पहले एग्जीक्यूटिव का सेशन भी था तो मेरी रिकॉर्डिंग लेट हो रही है, बट मैं वीक में कभी भी आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे फिर आप उसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, मैं डेली सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक रिप्लाई करता हूं, तो मे भी आपका उसके अंदर डाउट आ जाए, रिप्लाई आ जाए, अगर नहीं आएगा तो वीक डे में जब भी सेशन लूंगा उसमें आप पूछ लेना, ठीक है। वंस अगेन सॉरी, आपका मैं डाउट नहीं ले पाया सभी बच्चों के, ठीक है, बट मैं उसको जरूर ले लूंगा। अंशु बोलो जी। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है सर, जो आप क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। आप मेरे पास तो क्वेश्चन बैंक ऐसे थोड़ा होगा, आप मेरे को या तो स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन कैसे शेयर करूं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 किसका, इनकम टैक्स का, जीएसटी का है? सर इनकम टैक्स का है। स्क्रीन शेयर और करो। सर वो है आपका, एक सेकंड। शेयर स्क्रीन। सर मुझे आ नहीं रहा है करना, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ सर। बैक जाकर होगा, बैक जाना पड़ेगा, वहाँ पे दोबारा से आना पड़ेगा। या सर ऐसा करो, आपको अगर लेट हो रहा ना तो आप अपनी क्लास ले लो, मैं आपसे फिर मतलब बीच में सर प्लीज किसी दिन आ जाना। ऐसा करो आप मुझे ना अभी व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? ठीक है, जब मैं रिकॉर्डिंग के बाद नीचे जाऊंगा लंच करने के लिए, अपना मतलब अपना लंच करने के लिए जाऊंगा, तो उसके बाद मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन, अगर मैं उस टाइम रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, डन डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलो हाँ जी हाँ जी। आपने जो एग्जीक्यूटिव की जो डाउट सेशंस रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो ना, ऐसे ही प्रोफेशनल्स का भी कर दो ना सर। लास्ट टाइम मैंने 2 सेशंस कर दिए थे क्योंकि इंटरनेट इश्यूज के कारण। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं प्रोफेशनल्स के भी कर दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, वो डाउट सेशन में कोई इंटरेस्ट लेता है नहीं, वो मैं अपलोड कर देता हूँ, वो कोई देखता है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो आपके डाउट है, तो कई बाहर वाले बच्चों को समझ नहीं आता वो कि क्या चल रहा है। नहीं सर, लाइक एक छोटा सा प्लेलिस्ट बना के एटलीस्ट जो अटेंड नहीं कर पाते हैं ना आपके सेशन, बहुत मतलब सच में सर, वो जो आपने लास्ट टाइम इनकम टैक्स का जो पूरा इनकम टैक्स का किया था ना, वो अटेंड नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा कि शायद आप अपलोड कर दोगे, तो इसीलिए सर बहुत हेल्प होगा सर आप अगर अपलोड कर दो तो। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ओके जी, फिर मिलते हैं वीक के बीच में, कभी मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, और बाकी अपना वैल्यूएशन चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसको अच्छे से करके उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और मस्ती मुस्ती करने मत जाओ, बाहर मत घूमो ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो कोरोना अभी भी यहीं पे है, अपना ध्यान रखो और तैयारी करो, दिसंबर में एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकालो, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, बाय बाय। हाँ छाया कह रही है सर नेक्स्ट टाइम हमसे भी क्वेश्चन पूछना, छाया पक्का पक्का पूछूंगा, छाया सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।